तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा बोलिंजर बैंड थ्योरी। तो ये जो हमारा सेटअप जो रहेगा वो सेकंड नंबर का सेटअप रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बोलिंजर बैंड होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, एंड वापस जाने के बाद हम देखें बोलिंजर बैंड। देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड परसेंटेज भी है, बैंड बोलिंजर बैंड्स विथ विड्थ बैंड विथ, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बोलिंजर बैंड चाहिए। तो बोलिंजर बैंड होता क्या है? देखिए बोलिंजर बैंड का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बोलिंजर बैंड जो है वो एक वोलेटिलिटी को दर्शाता है, यानी वोलेटिलिटी शो करता है। एंड बोलिंजर बैंड में देखिए अब क्या होता है, एक ये जो होती है वो होती है मीडियन लाइन, एंड यानी एक एवरेज लाइन होती है, वो रहती है 20 डेज का, यानी जो पिछला 20 डेज का जो एवरेज होता है उसको फॉलो करता है। एंड जो अपर लाइन है उसको हम बोलते हैं अपर बैंड, एंड जो लोअर लाइन है उसको हम बोलते हैं लोअर बैंड। यानी प्राइस जब भी अपर बैंड के साथ चलती है तो उसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड जब प्राइस लोअर बैंड के साथ चलती है जैसे कि यहाँ पे चल रही है तो उसका मतलब है कि प्राइस जो ट्रेंड है अभी डाउन चल रहा है। तो हम ये जो इंडिकेटर है हम कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स के साथ हम इसको चेक करेंगे, सिर्फ बोलिंजर बैंड हम यूज़ नहीं करते कभी भी, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता। सिर्फ अगर मैं इसको कुछ यूज़ करता हूँ तो फिर अलॉन्ग विथ कुछ अदर सेटअप के साथ मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी कि बोलिंजर बैंड किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए ये मैंने मंथली चार्ट लगाया एंड स्टॉक है एशियन पेंट। अगर मैं मंथली में इसको बोलिंजर बैंड लगाता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये कंटिन्यूसली अप, यानी कंटिन्यूस अपर बैंड के साथ ही ऊपर जा रहा है, यानी एक बहुत ही अच्छे तरीके का ये स्टॉक है, वो हमेशा अपर बैंड के साथ ही ऊपर चलता है। एंड जब भी ये नीचे गिरता है, यानी जब भी इस मीडियम लाइन के आसपास आता है बॉलिंगर बैंड के, तब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती है। देखिए कितनी बार मार्केट ने ऐसे किया, हमेशा अपर बैंड के साथ चलता रहा, एंड फिर उसके बाद जब भी एक मीडियम लाइन के आसपास आया फिर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। यानी देखिए मार्केट यहाँ से, यानी 525 से मार्केट कितना नीचे आया था, 370 के आसपास, यानी इस लाइन के आसपास जब भी आता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। देखिए इस बैंड से हमें स्टॉक का कैरेक्टर 1 मिनट में पता चल गया है, ठीक है। ये स्टॉक का कैरेक्टर किस तरीके का है वो हमें 1 मिनट में पता चल गया कि ये ऊपर जाता है, एंड जब भी मिडिल लाइन के आसपास आता है तो हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी मार्केट जब भी गिरता है तो बस यहाँ तक ही आता है, यानी मिडिल बैंड के आसपास आता है फिर वहाँ से फिर ऊपर जाता है। फिर देखिए अभी हमें पे 410 के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, फिर उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ पे गया, मार्केट गया 410 से सीधा 1220 के आसपास, एंड फिर उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया था एक बार इसको टेस्ट करने के लिए आया था, यानी जो मीडियम लाइन थी उसको मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, फिर यहाँ पे हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, यानी 930 के आसपास, हम राउंड फिगर मान लेते हैं, फिर 930 के आसपास हमें एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी। फिर देखिए एक बार फिर यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी बन रही थी, फिर उसके बाद मार्केट ने एक और हाई लगाया करीब करीब, देखिए यहाँ का जो हाई वो करीब 1490 के आसपास, यानी 1500 के आसपास एक हाई लगाया, यानी 900 से 1500। फिर एक बार देखिए मार्केट फिर ऊपर गया, फिर एक बार ये जो मिडिल लाइन है उसके आसपास इसको टेस्ट करने के लिए आते, यानी जब भी ये मिडिल लाइन के आसपास आता है तो फिर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद भी देखिए यहाँ पे कोरोना का ये जो फॉल आया था 2020 में, मार्केट यहाँ कितना नीचे आया था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो लो लगा यहाँ पे वो 1430 का लगा है, यानी यहाँ पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। जैसे मार्केट ने 1400 का हाई लो लगाया फिर उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ पे कहाँ तक गया था, यानी डबल हो गया था। तो 1 मिनट में हमें स्टॉक का कैरेक्टर पता चला बाई यूजिंग बोलिंजर बैंड। अभी हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो एचडीएफसी बैंक। तो देखिए एचडीएफसी बैंक का कैरेक्टर देखिए किस तरीके से पता चलता है, देखिए ये भी अपर बैंड के साथ ऊपर जाता है, यानी ये कंटिन्यूस ऊपर साइड अपर साइड में जाता है, एंड अपर बैंड को जब भी मतलब अपर बैंड से नीचे आता है तो ये डाउन जो लोअर बैंड है उसको टच करता है, यानी अपर बैंड से जब ये नीचे आना शुरू होता है तो वो लोअर बैंड तक आता ही है, ठीक है। तो इसके बाद तो इसका मतलब है कि हमें लोअर बैंड के आसपास इस स्टॉक में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
लोअर बैंड को टच करने के बाद देखिए लोअर बैंड को इसने टच किया अराउंड 76 के आसपास, सॉरी HDFC बैंक, हाँ यानी 76 के आसपास, यानी 2009 में 76 के आसपास ये आया था। फिर वहाँ से देखिए फिर एक बार वो ऊपर की साइड में गया, कहाँ तक गया, यहाँ पे 250 के आसपास गया, फिर भी एक बार लोअर बैंड के आसपास आया, फिर लोअर बैंड को टच किया, फिर एक बार हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी हमें करीब करीब 200 के आसपास। फिर एक बार मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक मीडियन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक सॉरी फिर एक बार यहाँ पे देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड उसके बाद फिर एक बार मार्केट नीचे आया था लोअर बैंड के आसपास, यहाँ पे भी हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी जो कि थी करीब करीब हम मान के चलते 850 के आसपास। एंड उसके बाद देखिए मार्केट 850 से 1600 के ऊपर भी गया था। ठीक है तो इसका भी कैरेक्टर हमें 1 मिनट में पता चल गया। तो अभी हम कुछ और बैंक देख लेते हैं, कोटक बैंक, इसका भी कैरेक्टर हमें 2 मिनट में पता चल जाएगा। अब देखिए ये किस तरीके का स्टॉक है, देखिए ये हमेशा अपर बैंड के साथ जाता है एंड नीचे जब आता है तो लोअर बैंड को टच करने के बाद ये जब भी नीचे आता है तो ये काफ़ी सपोर्ट लेता है, ये लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट नहीं लेता, ये मीडियन के आसपास सपोर्ट लेता है, यानी जो मीडियन लाइन है बोलिंजर बैंड की वो उसके आसपास सपोर्ट लेता है एंड फिर ऊपर जाता है। यानी जब भी ये स्टॉक मीडियन के आसपास आता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाता है। आप यहाँ पे देखोगे तो 318 के आसपास बाइंग, मान लो आप 318 पे बाइंग करते हो तो यहाँ पे देखिए 318 से सीधा 730 के आसपास गया, फिर मीडियम बैंड को टच किया, यानी ये मीडियम बैंड के आसपास सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। एंड फिर एक बहुत बार इसने ऐसा ही किया। ठीक है तो अब ये तो एक एक्सीडेंट था कोरोना का, बट अगर मेजोरिटी में आप मेजर ऑफ द टाइम आप देखोगे तो फिर क्या होता है, ये नीचे आता है मीडियम बैंड को टच करता है फिर ऊपर जाता है। तो इसका कैरेक्टर भी हमें बस 2 मिनट में पता चल गया। यहाँ पे हम रिलायंस देख लेते हैं, उसका कैरेक्टर भी हमें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब देखिए रिलायंस क्या करता है, अब रिलायंस मीडियम के आसपास सपोर्ट नहीं लेता है, रिलायंस क्या करता है वो लोअर बैंड पे सपोर्ट लेता है। देखिए यहाँ से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है लोअर बैंड के आसपास, फिर भी देखिए देखिए लोअर बैंड के आसपास आता है फिर ऊपर जाता है, फिर मीडियम के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक मीडियम के आसपास सपोर्ट लिया, यानी ये स्टॉक मीडियम पे भी सपोर्ट लेता है एंड जब भी यानी मीडियम के आसपास आपको एक बाय ऑन डिप्स की इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड जब भी ये लोअर बैंड को टच करता है तो फिर आपको आपको वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे मतलब अच्छे क्वांटिटी में आपको बाय करना चाहिए, इस तरीके का ये स्टॉक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप बाइंग कर सकते, तो यहाँ पे जब ये लोअर बैंड के आसपास आता है तो इसका मतलब ये कि आपको अच्छे क्वांटिटी में इसका जो डिलीवरी है वो उठानी चाहिए एंड जब भी मीडियम लाइन के आसपास आता है तो फिर आपको एक बाय ऑन डिप्स की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई नजर आती है। तो अभी हम कुछ खराब स्टॉक भी देख लेते हैं। देखिए ये खराब स्टॉक है, ठीक है तो इसमें क्या होता है जब भी ये वहाँ मिडिल लाइन के आसपास आता है तो फिर आपको एक इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। अभी तो ख्याल कि ये जो देखिए जब भी मिडिल लाइन के आसपास आता है देखिए 73 पे आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। अभी तो हालांकि ये कुछ काम का स्टॉक है नहीं, लेकिन आपको स्टॉक का कैरेक्टर किस तरीके से पता लगाना है वो मैं बस आपको यहाँ पे बताना चाहता था। आप भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और हम स्टॉक देख लेते हैं आपके हिसाब से, अगर आप लाइव होते तो फिर मैं आपसे पूछ लेता। तो अभी मैं अपने हिसाब से कुछ स्टॉक देख लेता हूँ जो निफ्टी की 50 के रहते, चलो निफ्टी को हम एक बार देख लेते हैं, निफ्टी किस तरीके से निफ्टी का कैरेक्टर देख लेते हम। देखिए निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है वो भी हम देख लेंगे। देखिए निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, अपर बैंड के साथ ऊपर जाता है एंड लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेता है निफ्टी। ठीक है तो देखिए लोअर बैंड एंड मीडियन जो लाइन है उसकी वहाँ पे सपोर्ट लेती है, यानी ये दोनों जगह पे सपोर्ट लेता है। तो अभी देखिए ये मेरे ख्याल से 2008 का फॉल रहेगा,
है। तब देखिए 2000 मतलब यहाँ पे आपको एक मतलब अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड में, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि निफ्टी जो था एक लोअर बैंड को उसने टच किया था। अब उसके बाद भी देखिए लोअर बैंड को टच किया करीब करीब 4500 के आसपास, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मीडियम के आसपास सपोर्ट लिया, फिर मार्केट वहाँ से गया 9000 के आसपास, फिर उसके बाद मार्केट ने एक लोअर बैंड को टच किया, वो था करीब करीब 6900 के आसपास यानी 7000 के आसपास, यानी 7000 के आसपास आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए मार्केट हमेशा ऊपर जाता है एंड यहाँ पे वो क्या करता है मीडियम बैंड के आसपास सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे एक बार ये तो एक्सीडेंट था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वंस इन ए लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे आपको बाय करने की। तो अगर वो आपने मान लो यहाँ पे बाय किया होगा तो शायद आपका जो अभी जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो शायद डबल से भी ऊपर हो चुकी होगी सिर्फ 1 साल के अंदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखने को मिलता है एंड जो अभी उसका मेजर ट्रेंड है वो अभी भी अप ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका कैरेक्टर पता लगा सकते हो। अभी हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने निफ्टी देख लिया तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक किस तरीके से इसको रिस्पेक्ट करता है देखिए, अपनी बैंक निफ्टी में ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, ठीक है बैंक निफ्टी ने भी क्या किया एक लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लिया है फिर ऊपर गया, फिर नीचे जो लोअर बैंड है उसके आसपास सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, फिर लोअर बैंड को सपोर्ट लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के लाता है फिर ऊपर जाता है, यानी बैंक निफ्टी लोअर बैंड के आसपास ही सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, यानी उसका जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा लोअर बैंड एंड जो इंटरमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा मीडियम बैंड। तो उम्मीद हो कि आपको ये सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका और भी एडवांस कंसेप्ट हम देखेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैं एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर वीडियो को लंबा हो जाए तो फिर आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता है एंड आपको देखने में उस तरीके का इंटरेस्ट आपको जनरेट नहीं होता है। तो मैं वीडियोज़ को स्मॉल रखने की कोशिश करूँगा एंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो डोंट वरी, मैं आपका अपना जो नंबर है वो भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा एंड मैं आपको सैटरडे एंड संडे के लिए कुछ सेशंस रखूँगा, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो एंड हम जूम मीटिंग भी रखने वाले तो दैट आपके जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो सकते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको समझ में ना आया होगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अब हम इस वीडियो का हम यहीं पे रैपअप कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच।